हम गाड़ी की चाबी यहाँ मतलब वहाँ तो गाड़ी फिर कैसे आई होगी? अच्छा, किया था बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी उसमें कि उसमें कोई कुरियर ही नहीं असाइन हो रहा था। क्या कर रहे हो ये? हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त विश्वनाथ। एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, ये जो राइड है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरा देखना। और जो ओला में अभी अपडेट आना था वो अपडेट आया नहीं है, होप से एक दो दिन में आ जाएगा। किसी को कुछ भी अगर शेयर करना हो तो VSK डिलीवरी पार्टनर इंस्टा आईडी पे मुझे शेयर कर सकता है, ठीक है। और दोस्तों, मेरा जो दूसरा चैनल है VSK ऑटो व्लॉग्स, उसको भी सब्सक्राइब कर देना। उसमें मैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, ठीक है। और मिलते हैं फिर डायरेक्टली हम लोग राइड पे, क्या वंश? चलो, और कमेंट जरूर करके जाना दोस्तों, आप लोग अपना अपना एक्सपीरियंस। राइड आई हुई है मेरे पास ओला में, और मैं घर का लूट लगा रहा था तब तक आ गई राइड। और कस्टमर को जो है फोन कर लेते हैं पहले। भैया, सामान ऐसा कुछ नहीं है, चाबी है बस, और कुछ भी नहीं है। भैया मैं कह रहा हूँ राइड जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है सामान आ जाए, क्या डिफरेंस है उसमें भैया? उसमें मेरे को ऐप से नहीं दिख रहा था कुछ भी उसमें कि कोई सामान के लिए कुछ है। इसके लिए नहीं आता, पोर्टर में है। पोर्टर आप देखोगे उसमें मिलेगा, वीफास्ट है, इसके अलावा रैपिडो में C2C है, तो ऐसे कुछ ऐप है। नहीं तो अभी आप क्या कह रहे हो, मैं कैंसिल कर दूं क्या? फिर कैंसिल कर दूं मैं? नहीं नहीं कैंसिल मत करो, मैं लेके आ ही रहा हूँ, कोई नहीं। ठीक है भैया, ओके, है ना, मैं लेके आता हूँ। बोल दो उनको, बोलो मैं आ गया हूँ यहाँ पे। आप हैं भैया? हाँ, अच्छा अच्छा, कॉल कर लूँ इनको OTP के लिए। आपके पास है? अच्छा, कि सवारी वाले में ना हमें कम मिलता है, और पार्सल का जो आता है ना उसमें हमें 12 to 15 rupees किलोमीटर मिलता है। तो वही मैं कह रहा था, मैंने कहा भैया सामान का थोड़ा हमें मिलता है ज़्यादा, तो आप वो सामान वाला ऐप यूज़ कर लेते। कह रहा यार अब सामान वाले मैंने बुक किया था वीफास्ट या पोर्टर। वीफास्ट अच्छा किया था, बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी उसमें कि उसमें कोई कुरियर ही नहीं असाइन हो रहा था। हाँ, दोनों अलग अलग है ना? हाँ, दो अलग, ठीक है। डोंट वरी, हाँ मैं स्पेशली इन्हीं का ब्लॉग करता हूँ, ये मेरे चैनल है VSK ब्लॉग। आगे अब मैंने जो अभी कल डाला है ना उसमें यही सामान का ही लोचा हुआ था। हुआ एक कस्टमर ने रैपिडो बुक करा और सामान दे दिया, और वहाँ मैं घूमता रहा सामान लेके, एक गार्ड वहाँ भेज रहा है, एक वहाँ भेज रहा है, तो हरास। हाँ हाँ, बस ठीक है, फिर बाहर बोल देना कि बाहर आ जाए या जो भी है, नहीं तो फिर ठीक है सर, थैंक यू। तो जी 20 किलोमीटर की राइड है ये। चैनल देख लिया? हाँ, ठीक है। 20 किलोमीटर की राइड है, 33 मिनट्स दिखा रहा है, और लोकेशन पीछे घूम के चलते हैं। तो दोस्तों, यही मैं कस्टमर को बोल रहा था। अब देखो चाबी है छोटा सा, आपके साथ भी हुआ होगा, लास्ट आपने वीडियो देखी होगी कि बहुत बार स्टेशन वाली जो मेरी थी, वो नहीं देखा है तो जाके चेक कर लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी वो भी, जिसमें अभी गाजियाबाद जो आया था मैं इसी वजह से आया था कि कस्टमर को इमरजेंसी में ट्रेन था 10:30 का, अब जगह 10:40 हो गए रात के, और ठंड का तो आपको पता ही है कितना ज़बरदस्त ठंड है। और इसको मैं पिक करने का एक रीज़न है कि उस रूट पे मैं रहता भी हूँ, तो मेरे लिए ये फ़ायदा हो गया। और भैया ने बोला भैया चाबी है तो आना है तो लो, नहीं तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं भैया मत करो, चाबी तो दिख रहा है, अगर हाँ बॉक्स बंद होता है ना तब दिक्कत होती है कि यार बॉक्स बंद है। दोस्तों लास्ट की जो राइड है उसमें मैंने देखो कस्टमर का हेल्प किया, मैंने इसको स्टेशन लेके आया, वो भी इतनी रात में, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ऊपर वाला आपकी मदद करता है जब आप अच्छे मन से किसी और की हेल्प करते हो। ठीक है, हम यहाँ किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं, हमें उसके लिए पैसा मिल रहा है अगर हम राइड कर रहे हैं तो लेकिन होता क्या यार कि आप अगर 20 किलोमीटर गए और 20 किलोमीटर आए, 40 मेरा 45 एवरेज दे रही है, तो मान लो 40 एक लीटर गया पेट्रोल 100 रुपये का, और 120 रुपये मैंने कमाया, तो उसमें मैंने क्या बचाया, बात यहाँ पर आती है। बट जब आपको इसी रूट पे आप मेरे को 20 किलोमीटर देख रहे हो कि वापस मिल गया है जाने के लिए, तो इससे अच्छी बात क्या होती है, हो सकती है कि भाई ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं आपकी मदद करी, कि आपने दूसरों की हेल्प करने के सोच के, आपने सिर्फ सोचा ना इस बारे में, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने आपकी हेल्प कर दी।
तो ये छोटे से दो चाबी है दोस्तों, वो देना है मेरे को, काफी लंबा रास्ता तो चलते हैं अभी। दोस्तों चाहूँ तो मैं यहाँ पे होम रूट लगा के और रैपिडो में बैठ सकता हूँ और थोड़ी देर इंतज़ार करके किसी कस्टमर को भी लेके जा सकता हूँ उस रूट पे, लेकिन मैं ज़्यादातर प्रेफर नहीं करता कि मैं एक बार में दो या तीन चीज़ें करूँ यार। कस्टमर ने जब एक बुकिंग, कस्टमर ने एक चीज़ का पैसा दिया है तो मैं उसको पहले कर लेता हूँ। कभी कभी, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही करता हूँ, बट कभी कभी अगर आपको ऐसा चांस मिलता है भाई, जैसे अब चाबी मैं लेके जा रहा हूँ, इसका कोई वो नहीं है, वजन नहीं है इसका बिल्कुल भी, अब कस्टमर भूल गया होगा, उसका मजबूरी है तो हम मजबूरी का फ़ायदा उठा भी सकते हो नहीं भी, तो मैं कहूँगा भाई मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, क्योंकि अगर आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाओगे तो ऊपर वाला आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा फिर किसी ना किसी दिन, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसे ही थोड़ा सा मेरा सोच है दोस्तों, बाकी आप लोग क्या सोचते हो, और इस समय इतने ठंड में तो कौन कौन चला रहा है ज़रा कमेंट करके बताना। हो भाई साहब ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही है, कब कब ही छुड़ा दे रही है। ठंड देख रहे हो, बहुत ज़्यादा ठंड है इस टाइम पे, और ऑलमोस्ट मैं आ गया हूँ यहाँ से 1.2 किलोमीटर, 4 मिनट दिखा रहा है, कौन सी सोसाइटी, अंतरिक्ष है क्या? ओहो आपको तो दिख ही रहा होगा कुछ भी एकदम, अरे बाप रे बाप, कोहरा है पूरा। बट सबसे बढ़िया चीज़ ये हुआ इसमें कि चाबी है, तो चाबी को वजन का भी पता नहीं लगा और मैं आ गया बातों बातों में। हाँ मैं एग्जिट वाले से नहीं, एग्जिट पे हूँ। एंट्री का थोड़ा सा आगे है। आगे या पीछे? थोड़ा सा आगे, जहाँ से आप आए हो थोड़ा सा आगे। नहीं मैं पीछे साइड से आया हूँ, जो पीछे से आया मैं। हाँ पीछे साइड से आप आए हो, वही आपने जो गेट है वो राइट साइड पे है ना? हाँ गेट मेरे राइट साइड में। हाँ तो आ गया हूँ। अभी मैं ख़त्म कर देता राइड तो नंबर चले जाता, इसलिए पहले मैंने कहा कॉल कर लो। ठंड बहुत है सर, बहुत है ठंड। आप हैं? जा रहे हैं गार्ड साहब, जा रहे हैं। हाँ हाँ सर, खत्म कर दो ना। ऑनलाइन है? थैंक यू सो मच सर, वो रेटिंग दे देना। ओके ये थर्ड राइड पे मास्क क्यों मांग रहे आज? तो मैम गाड़ी की चाबी यहाँ, मतलब वहाँ तो गाड़ी फिर कैसे आई होगी? अच्छा चाबी भूल आए थे। अच्छा हॉस्पिटल जाना था कल सुबह तो चाबी नहीं थी। ओके ओके सर, आप डॉक्टर हैं सर? नहीं डॉक्टर नहीं। अच्छा अच्छा थैंक यू सर, गुड नाइट। तो जी मिशन अकम्प्लिश हो गया है। तो दोस्तों ऐसा होता है कभी कभी कि हमें कस्टमर का छोटा मोटा भूल जाते आइटम, तो पहुंचाना पड़ता है। आज की ये तीसरी राइड थी, 336 रुपये हुआ मेरा इस अभी तक का अर्निंग, ठीक है। और मैं निकला जो था फर्स्ट, वो 8:30 करीब निकला था रात को, और अभी कितना हो रहा है, 11:14। ठंड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये कुछ कहानी था इस राइड का दोस्तों। और दिन में तो आपको यहाँ पे पूरी बिल्डिंग अभी नहीं दिख रही होगी, हल्की हल्की लाइट दिख रही होगी, बट दिन में आपको बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखेंगी। पहले उस साइड में आते हैं, ये लो राइड आ गई। कहाँ जाएंगे भैया? कस्टमर का नाम है द स्ट्रीट रेसर। अच्छा जी,
ये भी कोई ब्लॉगर वगैरह है क्या? तो ये कहानी थी दोस्तों इस राइड की। हम लोग इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और क्या आपने ओला में या रैपिडो में कभी सामान पहुंचाया है तो कमेंट कर देना, और क्या कुछ हुआ है आपके साथ वो भी कमेंट कर देना। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मैं इसी तरीके से अपने चैनल पर दोस्तों वीडियोस लाता रहता हूँ ओला उबर रैपिडो और सारे डिलीवरी पार्टनर पे। इंस्टा आईडी है मेरा VSK डिलीवरी पार्टनर, उसको ज़रूर फॉलो कर लेना। एज ऑलवेज गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल दोस्तों।